वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ए पिंच ऑफ स्नफ के बारे में, जो आपका थर्ड चैप्टर है। तो चलें इसको शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ए पिंच ऑफ स्नफ आप चैप्टर देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझें। इसका मतलब होता है एक चुटकी सुंगनी या एक चुटकी नस्वार। पिंच का मतलब होता है चुटकी, ये जो आप देख रहे हैं ना ये चुटकी कहलाता है। और स्नफ कहते हैं ये एक्चुअली एक पाउडर होता है, जो ड्रग आप कह लें एक तरह से, इसको नशा के लिए लोग इसको यूज करते हैं, है ना। अब इसको पिक्टोरियली ढंग से अगर आपको समझना है पिंच ऑफ स्नफ को, तो आप ये देखें, ये डब्बा है उसका जिसको स्नफ बॉक्स बोलते हैं, और उसमें चुटकी इसको बोलते हैं, ये चुटकी का सिंबल देखें आप, ऐसे निकालते हैं। अब लेने का दो तरीका है, या तो कोई बंदा इसको यहाँ पर इस तरह से सूंघेगा, ये देखें आप बिल्कुल प्रतीकात्मक तस्वीर जिसको कहते हैं, एक सिंबॉलिक पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं, या फिर कुछ बंदे इसको अंगोछे वगैरह पे डाल करके, रुमाल वगैरह पे डाल के लेते हैं, जो ये तस्वीर है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी सुंघनी या एक चुटकी नस्वार। इसको लिखा है मनोहर मालगांवकर ने। इस चैप्टर में मैं आपको, इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यानी कि ए पिंच ऑफ स्नफ का जो चैप्टर है आपका, ये पूरा फुली एक्सप्लेन होने वाला है। एंड एज वेल उसके साथ साथ आपके राइटर के बारे में, जिनका नाम मनोहर मालगांवकर है, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आपकी किताब में राइटर के बारे में उतना ज्यादा नहीं है, बस दो चार लाइन है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा इनहांस कर दिया है, बढ़ा दिया है, ताकि कुछ भी आपसे छूटे नहीं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं, मनोहर मालगांवकर, और साथ ही साथ उन वर्ड्स को जो डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए मैंने बोल्ड कर दिया है। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो आपको मिलेगा ही, और उसके साथ साथ मैंने उन डिफिकल्ट वर्ड को बोल्ड भी कर दिया है, और जहां पर जरूरत पड़ी है वहां पर मैंने पिक्चर भी डाल दिया है, ताकि जो चीजों को वर्ड ना समझा पाए उसको आप तस्वीर में देख के आसानी से समझ लें। इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन, एक एक प्रेजेंटेशन को बनाने में फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन या लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन का 5 से 10 घंटे लगते हैं। ये 5 से 10 घंटे हमारे टेक्निकल टीम को, जो स्टाफ से डिजाइन करते हैं, उन लोगों को लगता है, और फाइनली फिर मैं अपने हिसाब से वो लेक्चर देने के टाइम में फिर उसको पूरे को एडजस्ट करता हूँ। तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है ये, उसके बाद ये वीडियो इतने बनने संवरने के बाद आप तक पहुंचती है। सिर्फ कॉन्टेंट ही जबरदस्त नहीं होता, प्रेजेंटेशन भी बहुत जबरदस्त होता है। चले आगे बढ़ते हैं। अबाउट राइटर, सबसे पहले आप ये देख लें कि मनोहर मालगांवकर वॉज बोर्न ऑन 12th of July 1913 इन बेलगांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यानी मनोहर मालगांवकर का जन्म 12 जुलाई 1913 को कर्नाटक के बेलगाम जिले में हुआ था। अभी जो बेलगाम है ना, इसको बेलगांव पढ़ते हैं, ये बेलगांव जो है ना कर्नाटक में पड़ता है, जहां से जहां 1924 में गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, वही बेलगांव। इनकी पढ़ाई लिखाई बॉम्बे में हुई थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। ही वॉज एन इंडियन ऑथर ऑफ बोथ फिक्शन एंड नॉन फिक्शन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। वो अंग्रेजी भाषा में फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों के भारतीय लेखक थे। अब मैं आपको बता दूं कि फिक्शन का मतलब होता है वो चीजें जो काल्पनिक है, जैसे कहानी और नॉवेल वगैरह, और नॉन फिक्शन का मतलब है, जैसे हमने कोई इतिहास की बात कर दिया, साइंस की बात कर दिया, रियलिटी और नॉन रियलिटी, इस तरह से आप लोग समझ लीजिए। His majors in writing was history, army and politics. और वो जो लिखते थे ना, mainly वो history के बारे में लिखते थे, army, फौज, चूंकि ये खुद जो है वो military में थे, lieutenant general भी थे, और politics के बारे में लिखा करते थे। He was a great English literary figure after independence. मतलब ये भारत के आजाद होने के बाद 1947 के बाद जो बड़ा literary figure है, यानी साहित्य लिखने वाले जो लेखक हैं, उनमें से एक महान अंग्रेजी साहित्यकार में से थे ये। और उनकी जो फैमिली है ना, रॉयल फैमिली थी देवास की, है ना, देवास, ये वो पड़ता है मेरे ख्याल से एमपी में, मध्य प्रदेश में, वहां की रॉयल फैमिली थी इन लोगों की। मतलब वहां जो रजवाड़ा था उससे इनके पैटर्नल साइड का रिलेशन था, और मतलब बाप वाली फैमिली के साइड का और माँ वाली फैमिली के साइड का जो रिलेशन है वो ग्वालियर से था, तो बहुत रॉयल फैमिली से थे ये। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी थे ये, साथ में ये जो सिविल सर्वेंट भी थे, और माइनॉरर, एक खदान के मालिक भी थे, और साथ में एक किसान भी थे ये। आगे बढ़ते हैं, उनका पहला नॉवेल था डिस्टेंट ड्रम, उनकी उनकी जो मृत्यु है वो 14 जून 2010 को हुई थी।
कुछ इंपॉर्टेंट नॉवेल की अगर हम बात करें तो वो है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस, द डेविल्स वाइन, इसमें नाना साहब के बारे में लिखा हुआ है, एंड शालीमार। और अगर उनके कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी की बात करें तो ए टेलर ऑफ टेल्स, द गार्डलैंड कीपर्स, कैक्टस कंट्री, इन यूनिफॉर्म, बॉम्बे बीवियर, रंबल टंबल एंड इनसाइड गोवा, ये सब उनकी शॉर्ट स्टोरीज हैं जो लिखी गई हैं उनके द्वारा। ये याद रखेंगे पहली नॉवल उनकी डिस्टेंट ड्रम थी। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपके बुक में इन्हीं चार, आपके जो मतलब वो रेनबो मेन टेक्स्ट बुक है ना, वहां पे सिर्फ चार बुक का नाम है, डिस्टेंट ड्रम का, द प्रिंसेस का, एबेंड इन द गैंगेस का और बॉम्बे बीवियर का। तो ऊपर का ये तीनों नॉवेल है और ये ना शॉर्ट स्टोरी है। आगे बढ़ते हैं, छोटी कहानी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मनोहर मालगांवकर पैदा कब हुए भाई? तो आप देख लो मनोहर मालगांवकर कब पैदा हुए। वो पैदा हुए 1913 में, 1913 ईस्वी में। उनका देहांत कब हुआ, मरे कब वो? तो 2010 में। किस प्रिंसली एस्टेट से उनके फोर फादर बिलोंग करते थे? देवास से, मैंने बताया अभी। फोर फादर का मतलब होता है पूर्वज। कौन सा इंडियन राइटर है जो हिस्ट्रिक और पॉलिटिकल क्रिएशन राइटिंग के लिए फेमस है भाई? तो वो मनोहर मालगांवकर है। कहाँ पैदा हुए वो? तो जगह की अगर हम बात करेंगे, बेलगांव ये कर्नाटका में पड़ता है। और जो इंडियन इंग्लिश राइटर कौन सा है जो एक लेफ्टिनेंट भी था मिलिट्री में? तो भाई वो मनोहर मालगांवकर ही थे। उनका पहला नॉवल कौन सा था? तो डिस्टेंट ड्रम था उनका पहला नॉवल था, जो 47 साल की उम्र में उन्होंने लिखा था। डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, एबेन इन द गैंगेस वर रिटन बाय मनोहर मालगांवकर। आगे बढ़ते, इनमें से कौन एक ग्रेट इंग्लिश लिटरेरी फिगर है इंडिपेंडेंस के बाद? देखो सरोजनी नायडू, ये आजादी से पहले की है। बंकिम चंद चट्टोपाध्याय, इन्होंने 1864 में जो है राजमोहन वाइफ नाम से पहला इंग्लिश नॉवल लिखा था इंडिया का। श्री अरबिंदो, ये सब जो है ना आजादी से पहले के राइटर सब हैं। मनोहर मालगांवकर ही हैं जो आजादी के बाद के बड़े इंग्लिश लिटरेरी फिगर रहे हैं। और इनके वो तूरिया बोलते हैं ना, कंटेम्प्रेरी सेम एज के रहने वाले जो बड़े राइटर रहे हैं, खुशवंत सिंह रहे हैं जिन्होंने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा था, राजा राव हैं जिन्होंने सरपेंट एंड द रोप लिखा था, आर के नारायण है जिन्होंने द गाइड लिखा था, तो ये सब मुल्क राज आनंद है जिन्होंने कूली और अनटचेबल लिखा था, ये सब, ये जो है ना मनोहर मालगांवकर उस लेवल के राइटर है। बॉम्बे बीवियर इज अ डॉटर डॉट रिटन बाई मनोहर मालगांवकर। बॉम्बे बीवियर क्या है? तो भी बॉम्बे बीवियर जो है ये इनका एक नॉवेल है, स्टोरी है, इससे नॉवेल है या आर्टिकल है, तो ये एक स्टोरी है बॉम्बे बीवियर जो है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम थीम की बात करेंगे यानी इस चैप्टर में बात कौन सी की गई है, तो देखें द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, अभी वाली जो शॉर्ट स्टोरी है ना जिसका नाम ए पिंच ऑफ स्नफ है, उसको लिया गया है किससे, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, ये इस बुक से लिया गया है। इज फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, तो मैं आपको बता दूं इस विट का मतलब होता है, विट का मतलब होता है एक मतलब अकल, बुद्धि, तो ये पूरे बुद्धि से भरी हुई कहानी है इसमें, और एडवेंचर इसमें साथ में जोखिम भी है, मतलब मजा भी है जोखिम भी है दोनों है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में एक कैरेक्टर होते हैं, इसके जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम नानू काका है। वो नानू काका वॉन्ट्स टू मीट, मिलना चाहते हैं कुछ मंत्रियों से, एंड फाइनली ही बिकम सक्सेसफुल इन इट, और वो अंततः साथ में अंततः जो है सफल भी हो जाते हैं। लेकिन उनकी ये जो मुलाकात है ना मंत्रियों से, वो दो चीजें वहां पे, एक तो मजा भी बहुत आता है और दूसरी चीज के खतरा भी बहुत होता है। ये सक्सेसफुल हो जाते हैं बड़े बड़े मंत्रियों से मिलने में, और ये फेंकते बहुत हैं, ठीक है, झूठ बहुत बोलते हैं। बड़ा जबरदस्त आर्ट है इनके अंदर, आप पढ़ेंगे तो बहुत मजा आएगा आपको। चलें स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक पैराग्राफ में आपको पढ़ाने वाला हूं, पूरा 84 पैराग्राफ है, एक ही शॉर्ट में पूरा खत्म करना है मुझे। देखें यहां पर देखो कहानी दो तरह से होती है, कहानी को लिखने का दो तरीका, एक तो तरीका ये है कि अलग अलग कैरेक्टर के बारे में बात कर दें हम, जैसे सपोज एक खरगोश था एक कछुआ था, ठीक है, खरगोश जो है वो क्या बोलते हैं, खरगोश और कछुए के बीच दौड़ लगी है ना, और वो खरगोश बहुत तेज दौड़ा लेकिन उसने छोटा समय लिया कछुआ को, तो वो जो है ना रास्ते में आराम करने लगा, बट कछुआ ने अपने इसको जारी रखा सफर को, उस दौड़ को, रेस को, और लास्ट में वो जीत गया फाइनली। तो कहानी का एक तरीका ये है जो हम अलग अलग कैरेक्टर से किसी भी इंसिडेंट को जो है आगे ले जाते हैं, बढ़ाते हैं इसमें। और दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसको अपने शब्दों में लिखते हैं, आंखों देखा हाल सुनाते हैं उसका। तो यहां पर आपके राइटर ने यही किया है, आपके राइटर का नाम है मनोहर मालगांवकर,
और मैं आपको बता दूं कि किसी की किसी भी कहानी को जैसे मान लिया कि अब कोई जो सामने खेल हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है लाइव, उसको जो आप तक पहुंचाता है उसको कमेंटेटर बोलते हैं, कमेंट्री करने वाला। ठीक है, तो ये जो कहानी, ये जो घटना घटी है पूरी, ये भी तो हुई होगी ना, कभी इंसिडेंट हुआ होगा और उसको आपके राइटर ने एक्सपीरियंस किया, आंखों देखा, हाल सुनाया आप तक, तो आपके राइटर नैरेटर कहलाएंगे। आपके राइटर को क्या कहा जाएगा? नैरेटर कहा जाएगा। नैरेटर का मतलब है आंखों देखा हाल सुनाने वाला, बयान करने वाला जो है वो नैरेटर है। तो आपका नैरेटर कौन है? आपका राइटर खुद ही है। ये जो मी वर्ड देख रहे हैं ना, मी वर्ड देख रहे हैं, और ये जो आई वर्ड देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो आई देख रहे हैं आप, ये कौन है मी और आई यहाँ पर? तो ये मी और आई यहाँ पर आपका राइटर है, जिसका नाम मनोहर मालगांवकर है, वही, उसको आप नैरेटर कह लें या आप राइटर कह लें या फिर आप जो है वो मनोहर मालगांवकर कह लें, तीनों चलेगा, तीनों यही है। चलें आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। राइटर ने अपने आप को वहां पर रख करके और तब नानू काका को अपना मामा बनाया है, कहानी इस तरह से लिखी गई है। चलें, मदर्स अनाउंसमेंट शुक मी, यानी माँ की आवाज ने मुझे जगाया, राइटर सोए हुए थे और माँ ने जो है एक खबर सुनाई उनको, और क्या कहा? नानू काका आ रहे हैं, शी सेड, उन्होंने कहा। ओ माई गॉड, मैंने कहा, यानी राइटर ने कहा। कुडन वी सेंड हिम अ वायर, वायर बोलते हैं संदेश को, देखें जो डिफिकल्ट वर्ड है मैंने बोल्ड कर दिया, जैसे वायर, बिसाइड्स, रीएश्योरिंगली, ये सब। ओ माय गॉड, हे भगवान, अरे हम उनको ये कह नहीं सकते कि दैट वी आर लिविंग, कि हम लोग ये छोड़ के कहीं जा रहे हैं, दैट आई एम ट्रांसफर्ड और समथिंग, कि मेरा ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह, और या इस तरह का कुछ और भिजवा दें हम उनको। तो माँ ने कहा नो डियर, नहीं मेरी जान। माँ ने कहा ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो ट्रेन पर होंगे, पहले ही उन्होंने ट्रेन चढ़ लिया। अब पहले तो जमाना था नहीं फोन का, कॉल कर दिए, मामा नहीं आइएगा, हम कहीं और, हमारा ट्रांसफर हो गया है। एक बार जो एड्रेस दिख गया, बंदा 10 साल बाद भी जाएगा तो उसी एड्रेस पे जाएगा। खैर, तो मामा ऑलरेडी जब ट्रेन चढ़ लिए तो कहाँ आएंगे? वहीं आएंगे जहां हमारा रेसिडेंस है। तो माने का ऑलरेडी वो ट्रेन पे चढ़ गए। बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, एक वर्ड होता है बिसाइड, मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। शी एडेड, उन्होंने उसमें ये भी जोड़ दिया रीएश्योरिंगली, पूरी तरह से एश्योर होकर के, पूरे यकीन के साथ। ही स्टेज, यानी मामा कह रहे थे वो संदेश जो उन्होंने भेजा था उसमें, कि ही कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days, वो यहाँ 2-3 दिन से ज्यादा रुकने वाले नहीं है। What is he coming to Delhi for in this heat? इतनी गर्मी में वो दिल्ली क्या करने आ रहे हैं? तो माँ कह रही है, he wants to see some minister, वो कुछ मंत्रियों से मिलना चाहते हैं। What? क्या? That means he will be here for weeks. इसका मतलब है भाई हफ्तों रहने वाले हैं वो। Minister don't see people for weeks, months. Oh my God! अरे मंत्री लोग जो है ना, ये साले हफ्ते हफ्ते, महीने महीने नहीं मिलते हैं, मामा को कैसे 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे? आगे बढ़ते हैं। इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम, मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट। अब मामा, ये देखो, मामा पे मेरी जो माँ है राइटर की, उनका क्या ट्रस्ट है वो देखो, और क्या यकीन है उनका। मतलब इफ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, अरे अगर तुम्हारे नानू काका मंत्री से मिलना चाहते हैं ना, आई एम श्योर ही विल अरेंज टू सी हिम, मुझे यकीन है बेटा वो किसी भी टाइम में मिल लेंगे मंत्रियों से। माने का एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, अरे दिन हो रात हो 24 घंटे वो जॉब जाएंगे मिल लेंगे, हम अपने भाई को अच्छी तरह से जानते हैं। मदर हैज ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली, भाई मेरी जो माँ है ना, अपने साइड वाले फैमिली की तरफ बड़ी लॉयल रहती है, बड़ी वफादार रहती है। तुम लोगों ने अपने घर में देखा होगा, क्या देखा होगा, कि वो जो फूफी रहती है ना, फूफी फादर की बहन, वो अगर अपने फैमिली बच्चे के साथ घर पे आ जाती है तो जनरली माँ जो है ना बेचारी थोड़ा नाक चढ़ा लेती है, लेकिन माँ की बहन यानी तुम्हारी मौसी जब आएगी ना, खाला जब आएगी, तो अरे ए जी सुनते हैं वो मटन लेते आइएगा, चिकन लेते आइएगा, ये लेते आइएगा रेस्टोरेंट से, मतलब एक लिस्ट थमा दी जाती है। और फूफी जब आएगी ना, जनरली तुम्हारी बुआ जिसको बोलते हो, और फादर की बहन, तो पता ना कब जाएगी, सारे बच्चे के साथ यहीं पड़ी हुई है। खैर, तो मेरी माँ जो है ना, हमेशा अपने साइड वाले फैमिली की तरफ बड़ी लॉयल रहती है, और आफ्टर ऑल, और नानू काका तो खैर उनके भाई थे,
आई जहां तक मेरी बात है, ऑन द अदर हैंड भाई दूसरे सिरे पे अगर बात करो मेरी, तो मे हैव समथिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर. तो मुझे मंत्रियों के बारे में लेकर के ना बड़ी उलझन होती है. आई एम एन अंडर सेक्रेटरी, मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ ऑन प्रोबेशन, और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है. पिक्चर में देखो अभी ट्रेनिंग चल रही, जैसे इसको सिखाया जा रहा है ना, यही ट्रेनिंग कहलाता है, प्रोबेशन पीरियड कहलाता है. एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मान लिया तुमको जॉब तो हम देंगे, लेकिन पहले 1 महीना काम करके दिखाओ तुम काम ढंग से कर पाते हो या नहीं, उसके बाद फाइनली हम तुमको जॉब पे रखेंगे. तो राइटर का कहना है कि भाई मैं तो अभी अंडर ही सेक्रेटरी हूँ. यानी एक नेता होता है, उसका पीए होता है सेक्रेटरी, और उस पीए का भी एक जो है मतलब हेल्प करने वाला अंडर सेक्रेटरी होता है, जिसको हिंदी में अवर सचिव बोलते हैं. तो मैं अभी एक अवर सचिव हूँ और अभी प्रोबेशन पीरियड पर हूँ, और हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है ना, वो ये ट्रेनिंग मिली है कि मंत्री, ये जो सेक्रेटरी लोग है, वो भगवान से एक कदम ऊपर की चीज है ना. ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर एज बीइंग टू स्टेप्स हायर देन गॉड एंड द सेक्रेटरी इज बीइंग जस्ट वन स्टेप हायर. मतलब कि ये जो सेक्रेटरी है वो भगवान से एक कदम ऊपर की चीज है, मंत्री जी भगवान से 2 कदम ऊपर की चीज है. मतलब इतने बड़े लोग हैं, इन लोगों से मिलने के लिए खूब लोगों को टाइम लगवाओ. खैर आई वॉज, ये देखो नानू काका की असल पीक है यहाँ पर, सिंबॉलिक पीक. आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म. खैर मैं लेने मामा को प्लेटफॉर्म पे चला, मतलब स्टेशन गया, वहां प्लेटफॉर्म पे उनका वेट कर रहा था. जब ट्रेन आई, नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ सेकेंड क्लास कैरेज. नानू काका सेकेंड क्लास बोगी के गेट पर दरवाजे पर खड़े हुए थे, बिल्कुल एकदम यंग मैन की तरह भाई. अब उनके थोड़ा पर्सनालिटी को देख लो, ए स्ट्राइकिंग फिगर, जबरदस्त पर्सनालिटी, व्हाइट हेयर, सफेद बाल, विद एन इम्प्रेसिव मस्टाश, क्या जबरदस्त मूछ, नत्थूलाल जैसी. ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट एंड द रेड सिल्क पगड़ी ऑफ द डकनी ब्राह्मिन एंड ड्रेप्स अ व्हाइट अंगोचा अराउंड हिज शोल्डर. और उन्होंने क्या क्या पहन रखा था, तो भाई वो देख लो. उन्होंने ओल्ड फैशन नी लेंथ, यानी पुराने फैशन का, अभी तो चलता नहीं वो, खैर घुटने तक का उन्होंने जो है कोट पहन रखा था, और पगड़ी उन्होंने डाल रखी थी रेड सिल्क, सिल्क रेशमी पगड़ी. और फिर उन्होंने दक्कन के जो ब्राह्मण है, दक्कन ये एरिया है एक्चुअली, वो साउथ का एरिया है, हैदराबाद वगैरह का रीजन, तो वहां के ब्राह्मण के स्टाइल में इन्होंने पगड़ी बांध रखी थी और एक अंगोछा, ये अंगोछा आप देख रहे हैं, ये इन्होंने अपने शोल्डर के गिर्द जो है डाल रखा था कंधे पर. एज आई वेंट अप, जैसे ही मैं वहां गया, ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक टोकरी पकड़ा दी. टेक दिस आउट क्विक, जल्दी इसको लेके बाहर निकलो. ही विस्पर्ड, विस्पर का बोलते हैं कानाफूसी करना, बहुत हल्की आवाज में बोलना धीरे से. आई विल जॉइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें बाहर मिलूंगा. न सलाम कलाम, न दुआ, न बातचीत. अब मामा सीधे पकड़ा दिया, कहें जाओ बाहर मिलते हैं हम तुमको. खैर मैंने कोई सवाल नहीं किया, आई आस्क नो क्वेश्चन. आई टक्ड द बास्केट, टक्ड का मतलब समझते हो, ये देखो किसी भी चीज को इसके अंदर ना फंसा लेना. बाल्टी देखते हो, बाल्टी को हमने ऐसे कर लिया, दिस इज कॉल्ड टक. ये देखो टोकरी है ना यहाँ पे, तो इसको इसके इसको बाजू के अंदर यहाँ पे बाजू लगा देना, दिस इज कॉल्ड टक करना. बास्केट को लिया अंडर माई आर्म, अपने बाजू में, एंड टर्न वहां से मुड़ा, ओनली टू बम्प. और मुड़ते ही जो है ऐसा लगा कि शायद टकराने ही के लिए हम मुड़े थे, फॉरन बम्प, टकरा गए इनटू एन इनॉर्मस मारवाड़ी वुमन. एक मारवाड़ी जो है एकदम बुलडोजर टाइप औरत थी, एकदम है ना पुष्टांग, मोटी तगड़ी, उससे हेफ्टी वुमन, जिसने अपना अपने चेहरे को ढक रखा था. बुरका बोलते हैं, पहनने की चीज होती है. कॉस्ट्यूम्स मुस्लिम का देखते होंगे आप लोग, नकाब मुस्लिम औरतें पहनती हैं, तो वही मारवाड़ी औरतें भी लगाती हैं वो, मतलब अपने चेहरे को पर्दा करने के लिए. बट माई अपोलॉजीज वर ड्राउंड बाई द स्ट्रेंज साउंड इमेनेटिंग फ्रॉम द बास्केट. लेकिन हम उनसे जो माफी मांगते उस मारवाड़ी औरत से, भाई मेरी माफी तो ऐसा लग रहा था कि उसी स्ट्रेन साउंड में दब गई, बड़ी अजीब आवाज जो निकल रही थी उस बास्केट से, उस टोकरी से, मेरी पूरी एपोलॉजी जो है वो उसी में दबके रह गई. द प्रोटेस्ट ऑफ एन आउटरेज्ड किटन, और अंदर से मतलब एक प्रोटेस्ट जो है, एक विरोध उस गुस्से में भरे किटन का, बिल्ली के बच्चे का, स्पिट स्टब्स म्यू म्यू म्यू, ये बिल्ली आवाज करते हुए फौरन निकल के भाग गई. आई डग डैन रैन, यहाँ पर ये जो डक है, अब जैसे ही बिल्ली कूदी ना उससे, तो मैं बचने के लिए डक, जैसे वो बत्तख लोग करते हैं ना, वो सर को आप देखेंगे कि मतलब फॉरन डुबकी लगा देते हैं उसमें, पानी में जैसे डुबकी लगाते हैं, वही डक करना. डक जो है बत्तख से आया है,
ये वर्ड वर्ब वहीं से निकला है। तो मैं झुका बचने के लिए और दौड़ा फिर मैं उसके पीछे, एंड मिंगल्ड और मैं भी मिल गया भीड़ में, एंड स्क्वीज्ड और दबते दबाते, स्क्वीज का मतलब होता है दबाना, तो मैं दबते दबाते जो है गेट में एंटर किया, क्योंकि वो जो बिल्ली घुस गई थी एक सिख मैरिज पार्टी में। नानू काका को आने में बहुत टाइम लगा, नानू काका वॉज लॉन्ग टाइम कमिंग, द स्टेशन यार्ड वॉज नियरली एम्प्टी, और स्टेशन तो पूरा खाली हो चुका था जब मामा आए, और इवन के लास्ट टोंगा जो है ना, टोंगा यानी ये के वो आखिरी तांगा भी जा चुका था वेनी इमेज जब वो बाहर निकले, स्कॉटेड बाई अ फॉनिंग, फॉनिंग बोलते बड़े चापलूस टिकट इंस्पेक्टर के साथ, टीसी के साथ वो बाहर आए थे। अब देखो यहाँ पर नो रूम इन द थर्ड क्लास, और मामा आके फेंकना शुरू कर दिया उन्होंने पहले ही, फेंकना क्या ये रियलिटी भी थी, नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में रूम नहीं था, हालांकि इसका मतलब है मामा की टिकट ना थर्ड क्लास की थी, थर्ड क्लास मतलब थर्ड क्लास वो क्लास होता है ना ट्रेन में अलग अलग, उसी में थर्ड क्लास की टिकट थी, और उन्होंने मुझे सेकंड क्लास का जो टिकट है बिना रिजर्वेशन के इशू नहीं किया, नानू काका ने एक्सप्लेन किया जैसे ही वो मेरे पास आए, और मुझे सेकंड क्लास में थर्ड क्लास के टिकट पर सफर करना था, तो बड़ा मुश्किल था, लेकिन ये बंदा देख रहे उसकी पीठ पर थपकी मारते हुए मामा ने कहा, बट इट वॉज ऑल एयर एंड क्वाइट एमिकेबली, लेकिन ये बड़े आराम से सब मैनेज हो गया एमिकेबली, बड़े आराम से, सच nice young man, अरे इतना मस्त बंदा है ना ये लड़का जो टीसी है, टीसी बोले तो टिकट चेकर, you saw, देखा तुमने जब वो चला गया तो, how he even came right out with me, मेरे साथ कैसे बाहर आया वो, हो सकता है मामा ने कुछ फेंका हो कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, खैर so that there should be no trouble, ताकि मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, और बाहर तक आके छोड़ा बिल्कुल मुझे, the kitten of course traveled free, और मेरा ये जो बिल्ली का बच्चा उसने तो free travel किया, how is it, कैसा आइडिया लगा तुम्हें, very quiet, अरे बड़ा बड़ा शानदार, चलो मैंने कहा perhaps it is dead, अच्छा how is it उसके बारे में उन्होंने पूछा, बिल्ली के बच्चे के बारे में कैसा वो, मैंने कहा वेरी क्वाइट, बड़ा शांत है, मैंने कहा perhaps शायद ये मर गया, मुझे मैंने सोचा मन में, We got into the car. हम लोग कार में एंटर किए, and even I had changed into second gear. अभी second gear में हम चेंज भी नहीं किए थे गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए। नानो काका ने मुझसे पूछा, तुमने मंत्रियों से मिलने के लिए कब अरेंज किया है? Can't stay here for more than two days, three at the most. दो दिन से ज्यादा हम ठहरने वाले नहीं, ज्यादा से ज्यादा तीन दिन ठहरेंगे, मुलाकात का जो है कब मतलब जुगाड़ लगाए हो, कब मिलवा रहे हो मंत्री से? कहा है कि वो मैसेज जो भेजे थे उतार के जरिए खत लिख के, तो उसमें तो पता चल ही गया होगा कि मामू नानू काका वहां जो मामा है किस काम से आ रहे हैं। भाई मैंने सोचा साफ साफ बता देते हैं मामा को कि मेरी क्या हैसियत है और हम मिलवा सकते हैं यानी, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस, भाई फ्रैंकनेस का टाइम यही था। मैंने कहा लुक अंकल देखो मामा, आई सेड, मैंने कहा आई एम मेयरली, मैं केवल एक अंडर सेक्रेटरी हूँ और वो भी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और मेरे जॉब से बहुत ऊपर की बात है कि मैं आपको मंत्री से मिलवाता रहूँ, उनसे साक्षात्कार करवाऊँ, इंटरव्यू कराऊँ। नानू का कहने का ओ आई हैड रैदर होप, अरे बेकार है हम तुमसे उम्मीद किए थे, खैर कोई बात नहीं चलो खैर। फिर उन्होंने एक चुटकी सुंगनी ली, नसवार लिया, ब्रश्ड हिज फिंगर्स डेलिकेटली और बड़े मजे से उसको फिंगर को अंगोछा पे पोछा, एंड सैट बैक और पीछे बैठ गए, क्लोजिंग हिज आईज, अपने आंख को बंद करते हुए, एंड पिकरिंग हिज आईब्रो, स्पीकर बोलते हैं ये जो झुर्रियां देखते हो, मतलब कुछ बड़ी गहरी सोच में पिकर करते हैं आईब्रो को, जब आप बहुत गहरा सोचोगे ना डीप थॉट में जब आप जाओगे तो ये यहाँ पे थोड़ा सिकुड़ जाता है। As though in deep thought, he also clucked his tongue several times. ये क्लक करना आवाज के साथ, तो अपने जबान को भी उन्होंने कई बार जो है क्लक किया, टिपिकली दक्कनी स्टाइल में, और रजिस्ट्रिंग पीटी मुझे देख करके उनको बिल्कुल दया आ रही थी। खैर मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप, और माँ का हाल देखो मेरे, जैसे ही मामा को लेकर के गए माँ तो डेवड़ी पे ही खड़ी थी दरवाजे पे ही बाहर में, और उनके चेहरे की मुस्कुराहट मत पूछो, माई गॉड एकदम सजी हुई थी, सजा हुआ था पूरा चेहरा, रीथेड मतलब सजा हुआ मुस्कुराहट से, He went into squeals of delight. अरे मत पूछो वो आनंद की लहर मेरे माँ में थी, over the kitten, किसको देख के, बिल्ली का बच्चा देख के, and made a lot of fuss over नानू काका, और बहुत ज्यादा उन्होंने वो मामा के इर्द गिर्द खूब मंडला रही थी माँ जो है मेरी। I also found that she had installed him in my bedroom. और मेरे बेटे के ऊपर देखो भाई से कितना प्यार है, और बेटे पे क्या सितम कि हम जो बेडरूम में थे हमको बाहर इंस्टॉल करके बरामदे में मेरे लिए, वरांडा में जो है चारपाई डाल दी गई मेरे लिए,
और मामा को मेरे बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया गया। और फिर माँ ने ये भी कहा कि छुट्टी ले लो। माँ के फोर्स करने पे, इंसिस्ट करने पे मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से। और दोपहर में मैं नानू काका को लेकर के गया टू द नॉर्थ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक ये देख रहे हैं आप, जब आप सेक्रेटरिएट जाएंगे दिल्ली के सचिवालय में तो 2 ब्लॉक है, एक नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है। तो वहां मंत्री लोग रहते हैं नॉर्थ ब्लॉक में, तो मंत्रियों से मिलने वो वहीं गए। मैंने कार की पार्किंग में वेट करना मुनासिब समझा, मैं वहीं पे वेट कर रहा था। 2 घंटे के बाद मामा आए और जब लौटे तो मंबल यानी जो बड़बड़ा रहे थे रंगीन रंगीन मराठी गाली। आई डिडंट डेयर आस्क, ये गाली क्या होता है पता है तुमको? एक्चुअली गाली बुरी चीज नहीं है, ठीक है, एक तरह से अच्छी चीज होती है। अब देखो, आप शब्दों का वो समूह जिसके मुख से निकलने के पश्चात असीम सुख की अनुभूति होती है उसको गाली कहते हैं भाई। ये मामा जो है मराठी गाली देना शुरू कर दिया। वैसे भी देखो, आदमी जब अपनी औकात पे आता है, झगड़ा वगड़ा होता है, तो गलियाने के लिए अपनी ही भाषा का चयन करता है। आई डिडंट, कितनों अंग्रेजी पढ़ लेंगे पर गाली देने का जो मजा अपनी भाषा में है कसम से, वो दूसरी किसी लैंग्वेज में नहीं होता। I didn't dare ask him what had happened. मैंने हिम्मत नहीं की उनसे पूछने की कि क्या हुआ था, एंड ड्रॉप विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले निकल गए। थोड़ी देर में वो कूल डाउन हुए एंड और उन्होंने कहा, 2 hours, 2 घंटा बिताए हम एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर। और ये जो गलियारा, इसी को कॉरिडोर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर है ना, एक कॉरिडोर से दूसरे कॉरिडोर, एक चपरासी से दूसरे चपरासी, एकदम मतलब घनचक्कर बनेंगे, लेकिन मुलाकात जो है नहीं। हाँ, एंड इन द एंड, अब 2 घंटे की मेहनत के बाद तब जाके कामयाबी मिली, वो भी डिप्टी सेक्रेटरी से मिलने को, है ना, वो भी आज से 3 दिन के बाद। नेताजी तक आना दूर की बात है, पहले डिप्टी सेक्रेटरी, तब उसके बाद सेक्रेटरी, उसके बाद फिर जो है मंत्री जी। शेमफुल शेमफुल, कितने शर्म की बात है यार। उसके बाद फिर दूसरा सीरीज शुरू हो गया गलियाने का, मराठी एक्सप्लेटिव। खैर जब भी जो है लिंग्विस्टिक एमरजेंसी होती है ना, मेरे मामा हमेशा मदर टंग का यूज करते हैं। लिंग्विस्टिक एमरजेंसी समझते हो? मतलब ये कि कभी आप कितनी भी कोई दूसरी लैंग्वेज सीख लो, जब भी जो है आपको अपना गुस्सा जाहिर करना होता है या जब बहुत ज्यादा मोहब्बत करनी होती है, तो अब जैसे बच्चे का खूब दुलार करना, अले ले मेला बच्चा, है ना, ये भाषा हम बोलते हैं। भले हम 10 साल अंग्रेजी सीख लें, मैटर नहीं करता। भले लंदन जाके शिफ्ट हो जाओ तुम, अगर 2 साल के बाद लौटोगे तो वहां भी जाने के बाद अगर गड़ियाने का मौका मिलेगा तो अपनी भाषा में जो मजा आएगा कसम से अंग्रेजी में नहीं आएगा। तो यही होती है लिंग्विस्टिक एमरजेंसी। एक गार्निश येलो कार, एक गार्निश यानी चमचमाती पीले रंग की कार, जब हम लौटे वहां से तो वो भी स्पोर्ट्स कार थी, फ्लैश पासस, एकदम झटके से निकली वो, ब्लेरिंग, और वो जो बज रहा था इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, और उसका जो मतलब हॉर्न है बिल्कुल बिना रुके हुए कंटिन्यू बजा रहा था, पो पो, एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और जो बंदा गाड़ी चला रहा था वो अपना हाथ मेरी तरफ हिला रहा था। बड़ा रीड मैन, कितना बदतमीज लड़का है, बदतमीज बंदा है, कौन है ये, नानू काका ने पूछा। तो मैंने कहा चैप, चैप यानी बंदे का नाम रतिराम है, वो सेम मंत्रालय में काम करता है मेरी तरह। मामा ने कहा ओ, देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग, मैंने बात आगे बढ़ाने के लिए कहा कि उसकी बात चल रही है वो ट्रेड कमिश्नर बन करके हजरत बरकत अली के पास जाएगा। ये एक जबरदस्त कैरेक्टर है यहाँ, यू नो द एम्बेसडर, जो राजदूत है। राजदूत का क्या नाम है? देखो, राजदूत हर देश में जो है ना, हर देश का अपना एम्बेसडर होता है, उसकी एम्बेसी होती है। एम्बेसी बोलते हैं सफारत खाना को, हिंदी में उसको हम बोलते हैं दूतावास। तो वो हजरत बरकत अली जो एम्बेसडर है ना, उनके पास वो ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला है, लेकिन वो लोग कह रहे हैं बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, ये अभी थोड़ा दूर है, अभी जाने की तो बात है पर कंफर्म नहीं। आई सेड जस्ट टू मेक कॉन्वर्सेशन, मैंने बस बात आगे बढ़ाने के लिए कहा। व्हाई डोंट यू गेट सेंट आउट वन ऑफ दीज फॉर एन असाइनमेंट, नानू का कास। नानू काका ने मुझसे कहा तुम इस तरह के किसी फॉरेन असाइनमेंट पे कहीं नहीं चले जाते, विदेशी काम पे इस तरह के। तो टू गेट सेंट ऑन अ फॉरेन असाइनमेंट इज इन द सेम कैटेगरी एज गेटिंग एन इंटरव्यू विद अ मिनिस्टर। मैंने कहा कि देखिए मामा, ये फॉरेन असाइनमेंट पे जाना ना, विदेशी कार्य के लिए जाना, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मंत्री का आपको जो है इंटरव्यू दिलवाना। मामा ने कहा, आई सेड, मैंने कहा समवट अनकाइंडली, थोड़ा बेरहमी से मैंने कहा, इट टेक्स पुल। अरे भाई, इसके लिए जो है ना पैरवी चाहिए,
रति राम इज द सन ऑफ सोहन लाल रति राम, पुल का मतलब धक्का, तो यहाँ पे धक्का का मतलब समझते हो पैरवी, है ना, यहाँ पे पुल का मतलब एक्चुअल में जो वर्ड यूज होगा वो पैरवी। अरे इसके लिए पैरवी चाहिए, पहचान चाहिए, रति राम जो जा रहा है ये लड़का, तो इसका बाप है सोहन लाल रति राम, है ना, जो खुद पार्टी बॉस है दिल्ली में, यानी पार्टी बॉस का मतलब है पार्टी अध्यक्ष है किसी पार्टी का। आगे चलो, नानू काका स्टैंड अप विद अ जर्क, झटके से उठ गए नानू काका, अरे क्या कहा तुमने, व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या कहा तुमने, सोहन लाल लतीराम का बेटा, हाउ एक्स्ट्रॉर्डिनरी, क्या जबरदस्त बात है, वेल वेल, ही लीन्ड बैक, वो फिर जो है पीछे की तरफ झुक के बैठ गया और फिर उन्होंने स्टेयर्ड एट मी फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टेयर का मतलब होता है घूरना, टकटकी लगा के देखना, गेज करना, मुझे देर तक घूरते रहे, नाउ लेट मी सी, अब जरा देखने दो, वो देखते हैं तुम्हारे पास ये क्लोज कॉलर, यानी ये क्लोज कॉलर का मतलब है दोनों कॉलर का एक जगह इकट्ठा रहना, यहाँ पे ये जो पट्टी है ना बिल्कुल जुड़ा हुआ रहना, ये जोधपुरी कोट का स्टाइल है ये तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है क्या, हैवंट यू, क्या तुम्हारे पास नहीं है, गुड कोई बात नहीं, एंड कैन यू टाई ए टर्बन, क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो, नो नहीं बांध सकते, वेल कोई बात नहीं, आई हैव टू पुट इट ऑन, ये सारी बात खुद ही कर रहे हैं मामा, कोई बात नहीं, मैं जो है ना तुम पे वो पगड़ी डाल दूंगा, although I'm no expert, हालांकि मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, वैसे भी दिस टाई एंड कलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज, आजकल ये टाई और कॉलर वाला बिजनेस वैसा भी उतना बढ़िया नहीं है, लेट्स गो, हम चलो घर चलते हैं, आफ्टर यू हैव चेंज विल गो एंड सी हिम, जब तुम जो है कपड़ा बदल लोगे, चेंज कर लोगे, मतलब इस तरह से कि तुम जोधपुरी कोट पहन लो और वो पगड़ी वगैरह लगा लो, तब फिर हम लोग चलेंगे मिलने, सी होम, किसको मिलने, मामा ने कहा वाई लाला सोहन लाल, अफकोर्स, अरे लाला सोहन लाल से मिलने चलेंगे, और किससे मिलने चलेंगे, वही जो मंत्री है, उस रति राम नाम का जो लड़का है उसके बाप से मिलने, डू यू नो हिम एट ऑल, मैंने कहा आप जो मिलने जाएंगे आप जानते भी हैं उसको, अफकोर्स नॉट, बिल्कुल नहीं जानते, आई चेंज इन टू जोधपुर कोट, मामा ने कहा, और चूंकि मामा को मेरी माँ का सपोर्ट था, भाई जो कहेंगे मानना पड़ेगा, मैंने जोधपुरी कोट पहन लिया, उसके बाद नानू काका ने मेरे सर पे ऑरेंज कलर की बड़ी विशाल पगड़ी बांधी, एक्ट अस दो, और फिर हमसे कहा देखो ऐसे जो है एक्ट करोगे वहां पे, यू वर माई अरे हाँ वो क्या कहते, तुम जैसे मेरे ADC हो, अभी ADC का मतलब समझते हो, ये एट डी कैम बोलते हैं, है ना, इसका मतलब होता है अंगरक्षक, राइट, देखो इस वर्ड का मतलब ये होता है कि मतलब एट डी कैम्प उसको कहते हैं कि वो जो कोई एक रॉयल बंदा होता है, बड़े लोग होते हैं मिलिट्री में, बड़े अफसर होते हैं उन लोगों के लिए जो है ना, या फिर बहुत बड़े रॉयल वो सिविल सर्वेंट वगैरह होते हैं, तो उन लोगों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह होते हैं उन लोगों के लिए ये जो है ना एट डी कैंप होते हैं, इस तरह के अंगरक्षक होते हैं। ही कॉशन्ड मी, उन्होंने मुझे सावधान किया, जैसे ही हम लोग लाला सोहन लाल के घर जाने के लिए निकले, वहां जैसे ही गए तो देखा एक सेक्रेटरी स्पॉटलेस, जिसमें कोई दाग नहीं था, वाइट कपड़े में हम लोगों को रिसीव किया वहां पे, एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम, और बिल्कुल एक ठंडे सफेद कमरे में वहां हम लोगों को ले गया, बिफोर ही आस्क्ड आवर बिजनेस, हमारा काम पूछने से पहले, वेरी पोलाइटली, बड़े विनम्रता से, जस्ट ड्रॉप इन, नानू काका सेड कैजुअली, नानू काका ने यूं ही कहा, बस यूं ही आया हूँ, एक्चुअली दिल्ली आया हुआ था, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार कन्वेंशन, जमींदार लोगों का वहां पर एक बड़ा सा आयोजन था उन लोगों का, तो वहीं आया था मैं, ए रैदर अनऑफिशियल गैदरिंग, वो कोई ऑफिशियल औपचारिक गैदरिंग नहीं थी, बस अनऑफिशियल ही था वो, वो चूंकि हम लोग जमींदार लोग हैं और उतने पॉपुलर नहीं है आजकल उतने, लेकिन फिर भी जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उपराष्ट्रपति, हैज ऑल्सो सेंट केबल, हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, उन्होंने भी संदेश भेजा था, ही वॉन्ट टू सी मी, मिलना चाहते हैं मुझसे, लेकिन चूंकि वो वॉशिंगटन से कल तक नहीं आएंगे, तो मैंने सोचा कि भाई जब तक मैं खाली हूँ वो साथ में लाला जी से भी मिलता चलूं और उनको बताऊं कि भाई हम लोगों ने जो जमींदार लोगों के, हम जमींदारों के अंडर में जो वोट है किसानों का, तो उसके लिए हमने मतलब क्या तैयारियां कर रखी हैं अपकमिंग इलेक्शन के लिए, उस पर थोड़ी बात करनी है, ये बोल के मामा फेंकने की कोशिश कर रहे थे।
नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल ऑफ नानू काका, इसको थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं, वो फेंकने की कोशिश कर रहे थे और वो मतलब जो है और थोड़ा लंबा इसको ले जा रहे थे, अपनी तरफ से तो बहुत बढ़िया वो कर रहे थे, लेकिन मैं वहां पे क्या देख रहा था कि आई कुड सी दैट ही वॉज नॉट रियली मेकिंग एन इम्प्रेशन ऑन द सेक्रेटरी, वो जस्ट बीइंग पोलाइट एंड प्लेइंग इट सेफ। और मैं क्या देख रहा था कि वो जो सेक्रेटरी है ना, वो बड़े हल्के में मामा को ले रहा था, बस मजे से वो जो है विनम्रता के साथ प्लेइंग इट सेफ, मतलब हल्के में, मतलब वो मामा फेंक रहा है और वो लपेट रहा है। आई हैव टू सी, मुझे देखना पड़ेगा वेदर लाला जी इज फ्री, कि लाला जी फ्री भी है या नहीं। सेक्रेटरी ने कहा ही सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी नहीं, ही सेल्डम सीज, वो कभी नहीं मिलते किसी से, किसी विजिटर से, आने वालों से बिना प्रीवियस अपॉइंटमेंट के। पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, अब बड़े आदमी से मिलते हैं, कोई बिजी आदमी से मिलते हैं तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, फायर नॉट फ्री, और लाला जी तो भाई फ्री ही होंगे, क्योंकि हम ये अंदाजा हम लोगों को भी हुआ, क्योंकि हमने देखा कि एडज्वाइनिंग रूम बगल वाले कमरे से हुक्के के गड़गड़ाहट की, ये जो हुक्का है ना, इसको हुक्का नहीं बोलते हैं, इट्स कॉल्ड हुक या हुका, ये वर्ड है जो पढ़ा जाता है प्रोनंसिएशन। हमने देखा कि अनहरीड है ना, हल्की हल्की गुरगुराहट, हरी का मतलब जल्दी में, अनहरीड बिल्कुल जल्दी में नहीं, हल्की हल्की गुरगुराहट जो है हुक की बाहर आ रही थी हुक्के की, और फिर हम लोग सुन सकते थे कि हॉटी सेक्रेटरी, हॉटी बोलते हैं घमंडी को, वो जो घमंडी सेक्रेटरी उनसे बात कर रहा था, तभी वो अंदर जाके बोला होगा कि ऐसे कोई लोग मिलने आए। उसके बाद मामा की कला देखो, मामा ने क्या फेंकना शुरू किया, क्या कहा तुमने, सॉरी कौन सा दिन है आज, नानू काका ने हमसे पूछा। हमको लग गया कि मामा थोड़ी सी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। मैंने कहा मंगलवार है, ट्यूसडे है। ओ ट्यूसडे, मंगल है, अरे देखो हम लोग संडे को बेरूत में थे, अमेजिंग है कि नहीं, ये मंगल की बात है, आज यहाँ है, संडे को बेरूत में थे। संडे का देखो, बेरूत एक जगह है जो लेबनान में पड़ता है, ये बेरूत लेबनान कंट्री है, वहां ये बेरूत जगह है। तो चलो, मैंने ये जो बेरूत में पड़ता है, बेरूत में हम लोग जो है संडे को थे और आज यहाँ है। आई सोलोड हार्ट भाई, बड़ी मुश्किल से कसम से निकल पाए हम, कहे कि हमको मालूम था मामा तो जो है ट्रेन से महाराष्ट्र से दिल्ली आ रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से लीला और मैंने कहा अमेजिंग, हाँ मामा गजब, सही सही कह रहे हैं आप वाकई। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, और अगर हम हजरत का सुनते हैं ना, जैसे ही अब देखो हुआ क्या था कि मैंने मामा से कह दिया था कि उनका बेटा जो है हजरत बरकत अली के पास जो एम्बेसडर है, ट्रेड कमिश्नर बन के जाने वाला है, तो वो तो फोन का जमाना नहीं था कि कोई पूछ के पता कर लेगा कि भाई आप फलाना को जानते हैं नहीं, इसलिए मामा ने फेंकना शुरू कर दिया। और मामा ने कहा अरे वो बरकत का अगर हम सुनते ना, तो फिर अभी तक हम विदेशे में रहते, उधर ही रहते बेरूत में, या जो अपना सफर था हमारा। ओल्ड एज भी, ओल्ड का मतलब यहाँ पे ये मत समझना पुराना, मतलब पुराने संबंध का बंदा, जैसे दोस्त हो हमारा, बहुत पुराना जानने वाला। अरे वो मेरा प्यारा दोस्त जो है बरकत, अरे वो तो मर रहा था और हमको खींच के ले जाना चाह रहा था, कहाँ, फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री से मिलाने के लिए। जैसे ही ये जोर जोर से मामा ने बोला ना, क्योंकि उनको पता था कि वो जो मंत्री सोहन लाल है उसको काम है, किससे काम है भाई, तो सोहन लाल जो मंत्री था उसको काम था इससे, क्या बोलते हैं वो बरकत अली से। और मामा ये चाह रहे थे कि जब हम बरकत अली का नाम बार बार लेंगे ना वहां पे, और अगर जोर से वो सुनेगा, तो चूंकि उसको काम है ही, इसीलिए वो जो है ना क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, सोहन लाल इम्प्रेस होगा, तो इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। और हुआ भी यही, हुक्के की गुड़गुड़ाहट फौरन बंद हो गई बगल वाले कमरे से। क्या कहा तुमने, नानू काका ने पूछा, हालांकि मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। अच्छा हम वहां रुके काहे नहीं, ये भाई मामा का तो क्या फेंक रहे भाई, यू नो हाउ हाउ इट वॉज विद एज बी द लास्ट टाइम, अरे पिछली बार गए थे तो नहीं देखे थे क्या हुआ था, अरे वो तो हमको कॉटन टॉक्स में, वो जो कॉटन टॉक्स बोलते हैं डिप्लोमेसी के लिए, ये सब वर्ड आपको डेफिनेशन भी नहीं मिलेगा इंटरनेट पे, कॉटन टॉक्स बोलते हैं वो जो डिप्लोमेसी के लिए, एक्चुअली पॉलिटिकल टर्म है, तो डिप्लोमेसी होते हैं जब दो बड़े बड़े राष्ट्र या के बीच जो बातचीत होती है वहां पे, फॉरेन रिलेशन को, इंटरनेशनल रिलेशन को स्ट्रांग करने के लिए, तो कुछ डिप्लोमेटिक बातचीत होती है उसी को, तो वो जो है ना मुझे भी कॉटन टॉक में ले गया। और उसके अलावे बॉम्बे से एसके, अभी एसके कोई है ठीक है, मंत्री का शॉर्टकट नाम होगा, जैसे अभी पीके है अपने बिहार में प्रशांत किशोर है ना, एके है अरविंद केजरीवाल, तो इसी तरह कोई एसके होगा।
वो मुझे केबल पे केबल यानी संदेश पे संदेश भेज रही है। ये देखो हुक्के की पिक्चर है, सब एक पिक्चर आप लोगों को मिलती जाएगी जहां पे मुझे जरूरत पड़ेगी। अब इसने सोहनलाल ने जैसे ही सुना भाई, दैट वाज द मोमेंट लाला सोहनलाल लतीराम केम वैडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम विद द सेक्रेटरी एट हिज हील एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वाज स्मॉदर्ड इन द सैक्रिन कर्टसी ऑफ द सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर। वही एक लम्हा था जब हमने देखा कि लाला सोहनलाल बिल्कुल वैडल करते हुए, पेंगुइन देख रहे हो इसकी चाल लड़खड़ाने वाली, ये देखो इसी चाल में चलते हुए, किंतु तो हड़बड़ा गए मामा वो सोहनलाल बिल्कुल, अंदर के कमरे से अपने सेक्रेटरी के साथ ऐसा लगा एडीए पे चलते हुए एकदम आ रहे हैं। और उसके बाद से हर चीज जो है बिल्कुल बह गया। किस चीज में भाई? सैक्रिन कर्टेसी, बिल्कुल शालीनता के साथ नहीं मेजबानी होती है और लोग सीजन पॉलिटिकल कैंपेनर यानी मौसमी राजनीतिक बातचीत जो होती है ना वो, कि भाई अब सीजन आया इलेक्शन का तो बातचीत हो जाए, बिल्कुल उसी में सब पूरा माहौल हो गया। मामा अपने आप को जमींदार शो करने लगे, एग्रीकल्चरल वोट की बात करने लगे और फिर सब चीज उसी में बह गया। जो कुछ भी जान पहचान तक भी नहीं किया गया क्योंकि मामा इंप्रेशन डाल चुके थे। एज सून एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, और जब ये पता चल गया कि ये कौन है भाई, तो जमींदार हैं और बरकत अली, हाँ जमींदार हैं, बॉम्बे से आए हैं, दिल्ली में है, यहाँ कोई कन्वेंशन है। खैर उसके बाद क्या हुआ, अब ये सेक्रेटरी का देखो क्या इसका वहां पे जो है कोई हैसियत ही नहीं रह गई। वो जो बिल्कुल हल्के में ले रहा था मामा को, मामा के फेंकने की वजह से, चूंकि सोहनलाल को अब इनसे काम लेना था, बरकत अली से काम था, अब जान गया कि बरकत अली का दोस्त जब हमारे घर ही आ गया तो हम तो काम बड़ी आसानी से ले लेंगे। सेक्रेटरी को एकदम जल्दी में, बसल मतलब होता है जल्दी में, हलचल बिल्कुल, ऑर्डर किया जाओ कॉफी लेते आओ, स्वीट मीट लेते आओ, मिठाइयां पान लेते आओ। ये देखो स्वीट फूड्स एक्चुअली हम कह सकते हैं इसको, ये पहले वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन जो भी चीज होती थी ना उसको मीट कहा जाता था, स्वीट मीट मीठा टुकड़ा एक तरह से समझो, तो स्वीट फूड वर्ड यहाँ पे अभी मॉडर्न इंग्लिश में रिप्लेस होता है, ये पुराने इंग्लिश का वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, दे स्पेयर्ड गार्डली, वो लोग जो स्पेयर कर रहे थे, स्पेयर मतलब टॉक करना, बातचीत करना, बड़ा संभल संभल के बात कर रहे थे, जमींदार के बारे में, उसके वोट के बारे में, थोड़ी देर मौसम के बारे में। बिफोर कमिंग टू द ब्रास टैक्स, ब्रास टैक्स का मतलब होता है असली मुद्दे पे आने से पहले, असली मुद्दा क्या था सोहन लाल के लिए, तो असली मुद्दा ये था कि भाई बात करना कि आप जो है उसको जानते हैं कि नहीं, वो बरकत अली को। और फिर उसके बाद क्या बोला, आई हेयर यू नो हजरत बरकत अली वेल, सोहन लाल सेड विद एन इंग्रेशिएटिंग ग्रिन, हम सुने कि आप जो है ना वो बरकत अली को जानते हैं। इनग्रेशिएटिंग ग्रिन का मतलब ये देख रहे हो ये वाली मुस्कुराहट, शैतानी चापलूस मुस्कुराहट के साथ, बिल्कुल मैंने सुना आप बरकत अली को जानते हैं। ओ अरे बरकत, मामा का देखो फेंकना, हाउ डिड यू नो आई नो एचबी, आपको कैसे पता चला हम जानते हैं बरकत को। अरे हम लोग स्कूल में साथ में थे, हमेशा बड़ा भाई मानता था, बड़े भाई के रूप में मानता था हमको, सॉर्ट ऑफ के रूप में, रैदर टचिंग। और अगर मैं जो है इससे भी नजदीक अगर जाऊं, इससे भी पते की बात, मजे की बात बताऊं, अरे आज भी इवन टुडे वो कोई भी बड़ा डिसीजन बिना हमसे पूछे नहीं लेता। और जब प्रधानमंत्री जी ने उसको एम्बेसी ऑफर किया था, दूतावास जो है, तो अब ये बोलो किसने कहा था उसको कि नहीं नहीं तुम कर लो कर लो, ये वाला तुम्हारे लिए सही है पोस्ट, तो सोहनलाल ने कहा आपने आपने, दैट्स राइट, बिल्कुल सही कहा आपने मेरा दोस्त बरकत। उसके बाद सोहनलाल ने जो हंसना शुरू किया, पूरा पान खाने वाला जो दांत धब्बा था काला बिल्कुल दिखने लगा, तब तो भाई ये बड़े बड़ा भाग्यशाली दिन है कि आप हमारे गरीब खाने में आए, हम्बल हाउस गरीब खाना, विनम्र घर वही गरीब खाने तशरीफ लाए, वेरी लकी भाई, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरा बेटा जो यहाँ बैलेंस मिनिस्ट्री में काम करता है वो ट्रेड कमिश्नर के रूप में जाने वाला है बरकत अली के पास। और आपको मालूम है कि भाई कितना व्हील्स विद इन व्हील्स है, व्हील्स विद इन व्हील्स का मतलब होता है गोरख धंधा कितना है ना, गोरख धंधा एक्चुअली ये जो वर्ड है ना हिंदी का मुहावरा, एक गोरख धंधा गुरु गोरखनाथ से लिया गया है, जो अपने तंत्र विद्या की वजह से किसी को भी वश में कर ले और कुछ गड़बड़ कर दे, वहीं से गोरख धंधा मुहावरा आया हिंदी में। मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, व्हील्स विद इन व्हील्स, चक्कर पे चक्कर, मतलब कितना गोरख धंधा है, और मतलब सब एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। तो किसी ने ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बरकत अली का जो एम्बेसडर है उनका दिमाग मेरे बेटे के तहीं को लेकर के फेर दिया है उसके प्रति।
वो कुछ ट्रांजैक्शन लेन देन का मामला था, कुछ इवैक्यू प्रॉपर्टी थी उसी को लेकर के, कि हम लोग जो है इवैक्यू प्रॉपर्टी में कुछ हेर फेर किए। अब ये देख रहे हो ये वाला घर कुछ दिख रहा है, ये इवैक्यू प्रॉपर्टी है, मतलब किसी कारणवश कुछ मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में कोई पलायन कर गया, या किसी भी वजह से मकान बहुत दिन तक खाली रह गया, 10, 20, 25, 50 साल, और कोई देख रेख करने वाला उसका नहीं, छोड़ के वो लोग चले गए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हथियाने का काम शायद इन लोगों ने किया था। एक्चुअली इट वॉज परफेक्टली लेजिटिमेट। अब ये सोहन लाल क्या कह रहे हैं, हालांकि ये पूरी तरह से लेजिटिमेट था, जायज था। नानू काका वेव्ड अवे एनी फर्दर एक्सप्लेनेशन। नानू काका आगे किसी भी एक्सप्लेनेशन से बच रहे थे। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, ही अनाउंस्ड। उन्होंने कहा अरे ये बड़े बड़े आराम से हो जाएगा, कोई बात नहीं। नानू काका ने कहा, अब आगे कोई बात करने से वो बच रहे थे, उन्होंने कहा दैट शुड बी क्वाइट सिंपल, अरे बड़े आसानी से हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहे हैं भाई। आई लाइट टू टेल आई राइट एंड टेल HB टू डू इट। मैं बोल दूंगा बरकत को, ये काम कर देगा वो। अरे कोई कोई बात नहीं भाई, धन्यवाद, आप काहे बोल रहे हैं, हम लोग खैर वी मेन इन द पब्लिक आई। अरे हम लोग खैर क्या बोले, हम लोग पब्लिक की नजरों में रहने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को ये चीजें करनी पड़ती हैं, और वैसे भी वन गुड टर्न डिजर्व अनदर, मतलब इसका समझते हो, ये एक रशियन प्रोवर्ब है, रूस में ये कहावत चलती है, अच्छा काम करते रहना चाहिए, है ना, अच्छा काम करते रहना चाहिए एक के बाद दूसरा। ये देखो ये सिलसिला जो है ना, वन गुड टर्न, और फिर ये पे भी करता है, रिटर्न देता भी है, ये अच्छे काम का सिलसिला जारी रहते रहना चाहिए। नानू काका ओपन्ड हिज सिल्वर स्नफ बॉक्स, और ये मौका था जब नानू काका ने अपना सिल्वर स्नफ बॉक्स खोला, एक चुटकी लिया और अंगूठा पे उन्होंने उसको क्लिक किया, फिर उन्होंने यूं ही जो है नाम ले लिया कल्याण मंत्री का, कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर। उसके बाद जो चेहरे पे जो फिक्स ग्रिन था, मुस्कुराहट तमतमाहट थी खुशी से, सोहन लाल के चेहरे की बिल्कुल वैनिश हो गई, गायब हो गई। इज ही अ फ्रेंड ऑफ योर्स, सोहन लाल ने कहा मामा से, नानू काका से, दोस्त है आपके वो? नानू काका एडमिटेड, नहीं बिल्कुल नहीं। फिर तो मैं बहुत खुश हुआ, रिलीव, राहत की सांस लिया सोहन लाल ने, सो ग्लैड, बहुत खुश हूं मैं कि वो आपका दोस्त नहीं, जानने वाला नहीं है। वो बंदा इतना बड़ा एहसान फरामोश है, इन ग्रेटिट्यूड, मतलब वो बिल्कुल एहसान नहीं मानता जो बंदा उसको बोलते कि हमने उसके लिए कर दिया, और वो मानता भी नहीं कि हमने उसके लिए किया। मैंने उसको टिकट दिया इलेक्शन में, हर तरह से मदद की, और बदले में क्या मिला हमको? अब इस बात से ऐसा मालूम पड़ रहा था ना, इट टर्न आउट के मंत्री और लाला सोहन लाल कभी ना कभी अच्छे दोस्त थे, जो अब एट डैगर्स ड्रॉन, ये मुहावरा है, मतलब जो अब जानी दुश्मन बन गए। और पिछले साल से जब मिनिस्टर ने रिफ्यूज, इनकार कर दिया था विचार करने के लिए प्रपोजल, शादी के प्रस्ताव पे, लाला जी के जो बेटा है ना, सोहन लाल का एक्चुअली जो बेटा है, सोहन लाल रतिराम का बेटा है, जिसका नाम रतिराम है, वही देखो बाप बेटे के बारे में दो चीजें सोच रहे हैं, इन दोनों को समझ जाओ कहानी समझ जाओगे। एक तरफ तो बेटे को ट्रेड कमिश्नर बनाने के लिए बरकत अली के पास भेजना चाहता है, और दूसरी तरफ जो है सो अपने बेटे की शादी करवाना चाहता है किससे, कल्याण मंत्री की बेटी से। तो पूरा जो है असल इसी के इर्द गिर्द अब कहानी का दूसरा पार्ट चलेगा। तो वो जो है ना, कल्याण मंत्री की मैंने हर तरह से मदद की, इलेक्शन में टिकट दिया, जीत भी गया, मंत्री भी बन गया, और जब हमने रिश्ता भेजा पिछले साल कि हमारे बेटे से अपनी बेटी का ब्याह कराओ, तो भाई वो तैयार नहीं हुआ, इनकार कर दिया, और ही वॉन्ट्स अ प्रिंस, और अपनी बेटी का रिश्ता किससे तय कर दिया, राजकुमार से। वो कोई प्रिंसली एस्टेट होता है ना, रजवाड़ा वगैरह, जहां राजा लोग होते थे, वो तुम लोगों ने सुना होगा ना, ठाकुर खान, वो खान बहादुर साहेब, वो मिर्जा बेग निजाम, तो इस तरह राठौड़, है ना, इस तरह की जो चीजें हैं ये सब, तो ये जो है ना उस वक्त के जमींदार लोग हुआ करते थे, चौधरी, है ना, ये सब जमींदार लोग हुआ करते थे, ये टाइटल। तो वहीं का जो वो मतलब जो रजवाड़ा वगैरह होता था, महाराजा जो हमारे यहाँ भी है भाई, महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह इन दरभंगा, तो वो जो है ना राजकुमार, उसको चाहिए, व्हाट इज प्रिंस, अरे आजकल देश आजाद हो गया, ये आजकल ही राजकुमार की क्या वैल्यू है उस तरह के रजवाड़े की, छी, कॉन्फिडेंशियल, राज की एक बात बताऊं, आई कैन टेल यू द मिनिस्टर हैज बर्न्ड हिज वोट्स, अरे वो अपना नाव जला लिया है खुद, मतलब समझे, अपने पैर पे खुदे को लाड़ी मारा है। देखिए हैरानी होगी आप लोगों को अगर उसको टिकट मिला अगले इलेक्शन के लिए, तो बहुत हैरानी होगी आप लोगों को, काहे कि उसको मिलेगा ही नहीं।
मेरे बेटे को नीचा दिखाना चाहता है, राजकुमार चाहिए, बा ठीक। और सबसे मजेदार बात बताऊं, इवन के मुझे ये बताया गया है कि अब तक तो कुंडली भी जो मैच नहीं हुआ है दोनों वर वधु का, इवन द और ज्योतिषी लोग जो है बैठे भी नहीं है कि भाई ये डिसाइड करें कि ये जो है शुभ मुहूर्त नहीं, मुहूर्त तो टाइम को बोलते हैं, शुभ मुहूर्त, शुभ टाइम, ये ऑस्पिशियस मैच, शुभ जोड़ी है या नहीं, अच्छी जोड़ी है या नहीं। नानू काका ने भी स्नॉट किया, स्नॉट मतलब नाक से ये वाली आवाज, अपमान की बात है ये, वाकई शर्म की बात है ये। अच्छा वैसे कौन सा राजकुमार कहा आपने? अब देखो नानू काका के दिमाग में शैतानी आइडिया, अब लगता है शायद ये इस प्रिंस से मिलने जाएंगे, ऐसा कुछ होने वाला है कहानी में आगे। सम टू पेनी एस्टेट कॉल निनोर, अरे दो पैसे का कोई राज है, निनोर नाम है उसका। वी लेफ्ट द हाउस सून आफ्टर दैट, हम लोगों ने उसके फौरन बाद ही घर छोड़ दिया, वहां से निकले नानू काका ने, हम नानू काका ने एक बार फिर से वादा किया सोहन लाल से कि वो अपने दोस्त बरकत को लिख देंगे उसी दैट वेरी डे, उसी दिन। एज वी ड्रॉव अवे, जैसे ही हम लोग वहां से निकले, लाला जी और उनका जो सेक्रेटरी था वो घमंडी, वो बाहर आया हम लोगों को पोर्च तक छोड़ने के लिए। मकान का जो फसाड होता है, FACADE, फसाड का मतलब होता है मकान का सामने वाला हिस्सा, उसमें आप देखेंगे कि ये जो है ना एक पिलर खड़ा होता है और इसके ये जो एरिया होता है ना, दिस इज कॉल्ड पोर्च, पोर्च तक छोड़ने के लिए आए मामा जो है। नानू काका उस दिन बड़े खामोश थे, उस शाम जब घर पहुंचे हम लोग तो, और डिनर के बाद सवेरे वो डिनर करके जो है बेड पे चले गए, और फिर सुबह में फिर से चर्पी अगेन, दोबारा फिर से वो खुश थे, चहक रहे थे, और फिर उन्होंने एक नया धमाका कर दिया, हम लोग अब कल्याण मंत्री के घर जा रहे हैं। आज ही सुबह उन्होंने अनाउंस किया, मैंने कहा मामा है हमको छोड़ दीजिए प्लीज। उन्होंने कुछ सुंघनी ली बोलने से पहले, और उसके बाद ऐसा लगा कि मेरी बात ही भूल गए वो, और हमको क्या कह रहे हैं पता है, अरे तुम्हारी जो कार है ना बहुत छोटी है, हम लोगों को कुछ बड़ा चाहिए, कुछ ज्यादा इम्प्रेसिव। और तुमको पता है वो जो सेक्रेटरी है कितना ठंडा हल्के में लिया हम लोगों को, अगर हम लोग बड़ी कार में गए होते तो वो हम लोगों का से उसका व्यवहार थोड़ा अलग होता। मैंने कहा अच्छा ठीक है मामा, वो तो चले जाएंगे हम लोग, लेकिन टैक्सी कहाँ से लाएंगे, वो बड़ी गाड़ी जो आप कह रहे हैं, अगर मेरी गाड़ी आपको छोटी लग रही तो। मामा कह रहे हैं नो, अरे टैक्सी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कार से जाएंगे, और उसको भी चलाने वाला एक वर्दी पहनने वाला ड्राइवर हो, इस वर्ड को हम शॉफर पढ़ते हैं, शॉफर। चलो देखोगे लड़कियों को, अगर अच्छे लड़कियों की शादी के लिए अगर तस्वीर आती है ना वो लड़के की, और अगर लड़का जो है अच्छा नहीं हो देखने में, काला शाला हो या फिर वो अच्छी शक्ल नहीं, उसकी तो लड़कियां क्या कहती हैं, अरे ये शौहर है मेरा, शौहर शौहर बनेगा, ये तो मेरे शौफर के लायक भी नहीं है, मतलब ड्राइवर के लायक भी नहीं, इसे हम का शादी करेंगे। द बिगर द बेटर, ताकि और बढ़िया, बड़ी हो, बड़ा हो, बढ़िया हो गाड़ी जो है। आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आया कि मेरे एक जानने वाले में, एक्वेंटेंस में, वो एक अपनी गाड़ी बेचने की कोशिश कर रहा था कुछ महीनों से। वो गाड़ी बड़ी विशाल थी, इनॉर्मस थी, स्टेटली, और बिल्कुल वो क्या बोलते हैं, हाँ लगे कि भाई कोई बड़े लोगों की है, आउटलैंडिश और विदेशी कार थी। आउट मीन्स बाहर, लैंड माने धरती, और ISH माने के जैसा, बाहर की धरती का। दैट वुड हैव ओनली बीन बिल्ट फॉर अ कोर्ट प्रोसेशन, ये मत समझ लो कोर्ट की कोई बात है, मतलब शादी में जाने के लिए केवल वो कार बनी थी, इस तरह से उसको डिजाइन किया गया था, और बड़ी शानदार टाइप की कार थी वो। आई टोल्ड नानू काका अबाउट इट, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया था, दैट्स इट, अच्छा तो ये है, कोई बात नहीं, अरे हम लोग जाएंगे खरीदने के लिए, ट्रायल के लिए बाहर ले जाएंगे, उधरे से पार हो जाएंगे। उन्होंने बड़े मजे से ये जो है सलाह दिया हमको। आई एम श्योर वी कुड, अगर हम लोग ऐसा कर सके तो ठीक है, वो लोग ले जाने देगा बाहर ट्रायल के लिए, इफ वी लुक लाइक जेन्युइन बायर्स, अगर हम सही में उस तरह के खरीदार लगेंगे तब ना, लेकिन क्या हम लोग लगते हैं या लग रहे हैं? द मोटर कार टाउट्स, टाउट्स कहते हैं हम दलाल को, अरे मोटर कार का जो दलाल होता है ना आजकल, ये लोग जो है कैन स्मेल अ रिच मैन अ माइल ऑफ, मीलो दूर से ही अमीर आदमी को पहचान लेता है ये सब। You leave that to me, अरे हम पे छोड़ दो, नानू का कहने का, you just leave the details to me, तुम खाली हमको बताओ कहाँ पर ये कार है। And what about this liveried chauffeur? और वर्दी वाले ड्राइवर के बारे में क्या ख्याल है आपका, मैंने पूछा। Yes, of course, you of course, अरे तुम और कौन, नानू काका ने blandly बिल्कुल नरमता से कहा। उसके बाद उन्होंने अपना चेकबुक निकाला, एक चेक लिखा 1000 रुपए का, भाई उस टाइम में 1000 रुपया बहुत होता था।
ठीक है, और अपने पुराने एक कोट, मतलब वो गंदे को, हाँ पुराने कोट की जेब में उन्होंने उसको डाल दिया। अब कहा कि अपने धोबी को बुला करके लाओ। मैंने धोबी को बुलाया, मामा उसको जो है कोट दिए और बाहर ले गए और कुछ उससे बात की, कुछ दिखाए पढ़ाए होंगे। फिर हम लोग उस जगह चले गए जहां वो कार मिलनी थी, सिक्का ऑटो डीलर में। नानू काका ने कहा कि हम लोगों को जो है वो हम लोग वो कार ट्राई कर सकते हैं, मैनेजर से बात कर रहे थे जो कार हम लोगों के माइंड में थी। अभी बैरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, बात भी खत्म नहीं किए थे, कर ही रहे थे, बात फिनिश भी नहीं हुई थी कि धोबी एकदम दौड़ते हुए वहां पर आया दुकान में। नानू काका का एक हाथ में कोट पकड़े हुआ था और फिर उसके बाद जो है वहां पर कोट इन वन हैंड और उसके बाद जो है ब्रैंडिशिंग लहरा रहा था चेक को दूसरे हाथ में, और कहा आप यहाँ, ही पैंटेड हाफ रहा था वो। ये देखिए आप क्या छोड़ दिए हैं अपने कोट में जो है, देखिए देखिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मामा खुद ही कोर्ट में डाल के दिए थे उनको कि सुनो ना वहां पे जाएंगे तो तुम ऐसे दौड़ के लेकर के आओगे चेक और कहोगे देखिए कार छूट गया। ये सब मामा की सेटिंग थी, प्लानिंग थी पूरी अमीर दिखने के लिए। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ यानी बाजू की जो लंबाई है उसकी दूरी पर चेक को रखा और फिर उन्होंने जो है उसको क्लक किया टंग को, जबान को बार बार जो है कई बार, और उन्होंने कहा अरे इस तरह की चीजें हमेशा हो जाया करती हैं। इवन के बेयरर चेक भी जो है मैं इस तरह से छोड़ देता हूँ। बेयरर चेक में देखो नाम लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, साइन ऑलरेडी है और कोई भी जाके इसको कैश करा सकता है। बेयरर चेक का ये मतलब होता है चेक की वो टाइप जिसको खाली लेके जाओ और कैश करा लो, सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे कोई भी इसको कैश करा सकता था। माई गुड मैन, उन्होंने धोबी से कहा भाई तो खुश क्या है माई गुड मैन, क्या जबरदस्त बंदे हो तुम, ईमानदार हो, ये तुम्हारे लिए इनाम है, बहुत अच्छे मुखलिस आदमी हो तुम। देर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, अरे ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं भी दुनिया में। उन्होंने उसको 2 रुपए का नोट दिया, पीठ पे हल्की थपकी दी और उसके बाद 2 रुपया उस टाइम में इनाम के रूप में बहुत ज्यादा था भाई। After this demonstration of wealth और धन के इस जो है मतलब दिखावे के बाद अब तो कार के बारे में बड़ा आसान हो गया था। I drove wearing my white Jodhpur coat and the orange turban। फिर भाई मैं वहां से निकला, मैंने white Jodhpur coat पहन रखा था, orange पगड़ी थी। नानू काका पीछे शाही अंदाज में बैठ गए, हर इंच हर एक एंगल से वो दिख रहे थे क्या हेरिडिटरी पंडित, यानी के वो खानदानी पंडित नहीं होता, खानदानी पंडित दिख रहे थे। उसके बाद हम लोग मंत्री जी के घर गए, कल्याण मंत्री के, और वहां जो सर्वेंट उनका नौकर और सेक्रेटरी हम लोग नानू काका के चारों तरफ करने लगा वो गाड़ी और वो कपड़ा देख करके, जो मतलब जिन और नानू काका ने अपना काम बताने से इनकार कर दिया, बस खाली विजिटर बुक मंगा लिया जिसमें विजिटर आके अपना नाम पता लिखते थे। मैं यहाँ बस यूं ही आया हूँ, एक फॉर्मल कॉल, बस यूं ही एक मुलाकात के लिए। वो उन्होंने कहा वैसे मेरा विश कोई ख्वाहिश नहीं है मंत्री जी को हम डिस्टर्ब करें, फॉर्मेलिटी थी, औपचारिकता थी, क्योंकि हम लोग ओल्ड प्रिंसली एस्टेट के जो लोग हैं ना, रजवाड़े के लोग। अब मामा अपने आप को जहां कल्याण मंत्री के वो कल्याण मंत्री ने जहां अपनी बेटी का रिश्ता जिस राजकुमार से तय किया था, उस रजवाड़े का पंडित बन के जो है एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी बन के मामा गए थे इस कल्याण मंत्री को इम्प्रेस करने के लिए। ख्वाहिश थी मंत्री से मिलने की, तो एक से तो मिल ही लिया और अब देखो एक के साथ वो क्या व्यवहार कर रहे हैं, मतलब क्या मजा ले रहे हैं मंत्री का। तो वो जो है ना, वी इन द ओल्ड प्रिंसली एस्टेट स्टिल ऑब्जर्व, हम लोग अपने प्रिंसली एस्टेट में जो हमारा वहां है जहां से हम हैं, तो अब तक इस चीज को हम लोग निभाते हैं और वहां के जो महाराज है ना वो इस चीज को बहुत फॉलो करते हैं इस तरह की मेजबानी को। वो विजिटर बुक लाया और मैंने देखा कि नानू काका जो है ना उन्होंने बड़ी मतलब एंड आई वॉच नानू काका इन एडमायरेशन, और मैंने नानू काका को बहुत प्रशंसा भरी नजरों से देखा। उन्होंने अपना नाम लिखा पूरे एकदम चमक चमच मतलब फ्लोरिश एकदम जगमगाते हुए, क्या चमचमाते हुए नाम लिखा उन्होंने, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर, मतलब निनौर के महाराज का खानदानी ज्योतिषी, और उन्होंने दिल्ली का एड्रेस दिया बाद में मेरा एड्रेस, विदाउट अनदर वर्ड, बिना एक शब्द बोले, जैसे कि वो जो है बहुत ज्यादा जल्दी में हो, कार में गया और मुझसे जोर से कहा उन्होंने चलो महाराजा सुतकत्ता के महल में चलना है, मतलब ये जैसे हर महल में घूमते हो वो जो है मतलब क्या बोलते हैं
और बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर हो, शाही एस्ट्रोलॉजर हो, मुझे सारा होरोस्कोप रिटर्न करना है। होरोस्कोप कहते हैं कुंडली को जो मुझे सौंपा गया है, इंटरेस्टेड टू मी। और कार जो है गेट के बाहर, जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, मैं जो पीछे पलट के देखा तो देखा मामा ये तो सारा चीज दिखा रहे थे कौन को, वो कल्याण मंत्री को, जो अपर स्टोरी यानी आई ग्लांस बैकवर्ड, जब मैंने पीछे देखा तो देखा मैंने कि एक विशाल काले रंग का खद्दर की वो क्लैड जो है, मतलब उस टाइप का बिल्कुल क्या बोलते हैं वो, खादी कपड़े में भी लिपटा हुआ एक बंदा जो है, वो एक फिगर था जो पियर झांक रहा था। मतलब ये कि एक मंत्री जी, एक बंदा था जो काला था, खादी कपड़ा पहने था, बहुत विशाल था और झांक रहा था, यानी वो कल्याण मंत्री थे। और ऊपरी मंजिल से, अपर स्टोरे विंडो, स्टोरी में स्टोरे होगा, ऊपरी मंजिल की खिड़की से वो झांक रहे थे और मामा ये सब कुछ उसको दिखा के कर रहे थे। We had just finished tea. ये सब कुछ दिखा के वो गाड़ी को झटका मारना और फौरन चलना एकदम तनतनाते हुए, एकदम रॉयलिटी में, तो ये सब कुछ मामा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। We had just finished tea. अब हम लोग घर आ गए और हमने अभी अभी अपना चाय पी के खत्म ही किया था। मामा जाने की तैयारी कर रहे थे शायद, या जाने का उनका दिन हो गया था, 2-3 दिन का स्टे था, पूरा हो गया था। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक। हाउस ब्रेक का मतलब होता है घर तोड़ना नहीं, यहाँ ट्रेनिंग देना। अब देखो यहाँ जैसे पपी को, पालतू कोई भी चीज होता है ना, कुत्ता बिल्ली सबको जो ट्रेनिंग देते हैं, खरगोश, दैट्स कॉल्ड हाउस ब्रेक। तो नया जो किटन आया था, बिल्ली का बच्चा, उसको हम लोग ट्रेनिंग दे रहे थे, जो अभी अभी जिसने पडल कर दिया था। पडल समझते हो, मतलब उसने मलमूत्र कर दिया था, गंदा कर दिया था, पेशाब पखाना कर दिया होगा वहां पे फर्श पे। ये देखो बिल्कुल क्या पिक्चर लेके आता हूं मैं यार, वाकई तुमको मानना पड़ेगा, तुम बेस्ट एक्सप्लेनेशन पढ़ लो मेरी जान। पूरे बिहार में इस तरह का एक्सप्लेनेशन वाकई नहीं मिला है। एक एक प्रेजेंटेशन में 10-10 घंटे अंदाजा लगा सकते हो आप लोग, बहुत मेहनत हुई आप लोगों के लिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे इस कोर्स में टॉपर्स 12th कोर्स हो, या वीनस 12th कोर्स हो, या क्रैश कोर्स हो, इस सब में बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को जरूर बोलो एनरोल्ड होने के लिए। पूरे बिहार में जब भी अगर कोई इंग्लिश, हिंदी या उर्दू के बारे में मशवरे ले कहाँ पढ़े, तो बोलना सारी चीजें तुम हर जगह पढ़ो, ये 3 सब्जेक्ट जाके ओके इंग्लिश अकेडमी में पढ़ो। इतनी कम फीस में बंदा इस क्वालिटी का कंटेंट देता है, जिसकी अगर जेन्युइन फीस की बात करो तो 10,000 से कम नहीं होने चाहिए दोनों पेपर का, जिस क्वालिटी का कंटेंट यहाँ आपको मिल रहा है। आप इस चैप्टर को अगर पढ़ लो तो आप आराम से कल को 12th करने के बाद, अरे कोई जॉब शॉप नहीं मिले तुमको, खोल के बैठ जाओ, अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दो, अपने शहर के सबसे बड़े इंग्लिश टीचर हो जाओगे। जहां कहीं तुमको मौका मिले, जिस किसी भी इंस्टीट्यूट में, अगर कोई बेस नहीं, बोलो हम 12th की इंग्लिश पढ़ा देंगे यार, ये है। अगर आपने यहाँ पढ़ा तो हम 12th की हिंदी पढ़ा देंगे, हम 12th की उर्दू पढ़ा देंगे। मैं अपने बच्चों को इस क्वालिटी का बना देता हूँ। आप लोगों ने स्पीकिंग की वीडियोस देखी होगी मेरी, हमारे स्पीकिंग के बच्चे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर देता हूँ मैं उनके परफॉर्मेंसेस की। तो स्पीकिंग में भी आपका इंस्टीट्यूट नंबर 1 है, और 12th में, ये सिलेबस में भी, चाहे 12th हो या कॉम्पिटिशन हो। तो हम उसको अभी ट्रेनिंग दे रहे थे, हाउस ब्रेक कर रहे थे, जो अभी नया बिल्ली का बच्चा आया था, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ जो है वो आपको गंदा करना है वगैरह, ये सब सिखा रहे थे। जिसने अभी अभी पडल एक तरह से पोखरा कर देना, एक तालाब बना देना इस तरह का, वेन द कार विद द वाइट ट्रैंक, जिसने सॉरी गंदा कर दिया था, जब ही हमने देखा कि एक जो कार है वो आई बाहर घर के, मेरे वाइट ट्रैंगल था उस कार में। वाइट ट्रैंगल का मतलब है सफेद कलर का वहां पर ट्रैंगल था, त्रिभुज था, ठीक है। स्टॉप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और मेरे घर के सामने वो रुकी। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स, और नानू काका हाथ को मोड़ते हुए बाहर निकले टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर, कल्याण मंत्री से मिलने, जो अभी आया था उनसे मिलने के लिए। यानी मामा ने फेंक दिया ऐसा कि कामयाब हो गए मिलने में, एक मंत्री से तो जाके मिले और उसको बरकत अली का दोस्त बना करके, और दूसरा मंत्री को ऐसा फेंक कि हम जो है वो निनौर के महाराज के ज्योतिषी हैं, खुद मिलने चलाया। और वाइट ट्रायंगल का मतलब समझ रहे हो, मर्सिडीज, ये इसका मतलब है, मर्सिडीज है, छुपा हुआ नाम है ये जो सिंबल है ना, वाइट ट्रायंगल कार जब लिखोगे, या वाइट ट्रायंगल लोगो कार यूट्यूब इस पे, जब क्या बोलते हैं यार वो, गूगल पे लिखोगे और इमेज में सर्च करोगे तो आएगी ये गाड़ी। इस तरह से मैं तैयार करता हूँ प्रेजेंटेशन को। व्हाइट ट्रायंगल का मतलब वो कार समझ लेना, मर्सिडीज कार से बंदा आया था मंत्री, कहने का ये मतलब है। नानू काका कल चले गए, नानू काका का मिशन जो है पूरा हो गया, कंप्लीट यानी पूरा होना। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं आई यार, कि नानू काका मतलब मिनिस्टर से मिलना किस लिए जा रहे थे।
what it was that he wanted to see the minister about. Also, साथ ही मुझे इस बात की भी हैरानी होती है कि जब मंत्री जी को ये पता चलेगा, डिस्कवर जब उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे जो अंकल हैं कभी भी, मेरे जो मामा हैं कभी भी भाई निनौर नाम की जो जगह है जहां वो अपने बेटी का शादी तय किए, उसके तो सैकड़ों मील दूर में कहीं मामा का आता पता नहीं है। हालांकि फिर भी मैं अब इस बात का कायल हो गया हूं, मान लिया मैंने इस बात को कि नानू काका इस तरह के सिचुएशन को भी ऐसा डील करेंगे कि जितनी देर में बंदा जो है अंगोछा का एक फोल्ड देता है उससे पहले मामला सुलटा देंगे। ओनली वेन इट हैपन्स, और कभी भी जब ऐसा होता है, ये ख्यालात, ये जब सोच मेरे माइंड में आने लगता है कि तब क्या होगा, आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूं इन सारी चीजों से। दैट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि मैंने ए पिंच ऑफ स्नफ का अब तक का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन कर दिया होगा। मुझे यकीन है, आपको यकीन हो या ना हो ये मैं नहीं कह सकता, बट मुझे ऐसा यकीन है। आप चाहते हैं कि अगर नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप, तो ओके इंग्लिश एकेडमी को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पर भी जरूर फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे या हैव अ नाइस नाइट।